नमस्कार दोस्तों, हम भारतवासियों का सोने के प्रति आकर्षण जग जाहिर है और ये बात इस फैक्ट से भी उजागर होती है कि वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर का टॉप से लार्जेस्ट इंपोर्टर है। और मैं समझता हूं दोस्तों, इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि हम अपने किसी क्रिटिकल टाइम के लिए गोल्ड में भी निवेश करना उचित समझते हैं और इस दृष्टि से हम समय समय पर गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। परंतु दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते समय कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीजें अपने आप में क्लैरिटी का अभाव लिए रहती हैं। इस संदर्भ में दोस्तों, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, हालांकि ये अभी नहीं है, ये तो अक्टूबर 2022 से ही आ चुका है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। और बजट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के टैक्सेशन के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी भारत सरकार ने दी। ये दोनों बिंदु लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके टैक्सेशन के संदर्भ में भारत सरकार ने रिसेंटली बजट में क्या प्रावधान किए हैं, मैं सी अनु भाटिया आज की इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले क्विकली आपके सामने बात रख रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो उनको क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर वन, फिजिकल गोल्ड। आप किसी भी ज्वेलर से या किसी बैंक से फिजिकल गोल्ड सर्टेन क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सॉवरजिन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन असेसीज एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल होता है। डिजिटल गोल्ड में भी लोग अब इन्वेस्ट करने लगे हैं क्योंकि डिजिटल गोल्ड के भी प्लेटफॉर्म बहुत से कॉर्पोरेट्स के थ्रू, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूं टाइटन का भी, अगर आप शोरूम है तो वहां जाकर के भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन मैंने लिखा है, जिस पर मैं आज आपके समक्ष चर्चा लेके आया हूं, वो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। तो आपको ये समझना है कि ओके भाटिया जी, ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्या है और एज एन इन्वेस्टर इसके क्या फीचर्स हैं जिन्हें देखते हुए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकता हूं। पहला क्वेश्चन आया कि ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। मैं इसे एक डेफिनेशन फॉर्मेट में आपके सामने रखता हूं, ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन नहीं है सर, कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा ऐसा आप मान लीजिए, पर आपको समझ में आनी चाहिए बात मेरी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्या है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EGR कह रहा हूं, इज एन इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डीमेट फॉर्म। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आज की डेट में आप शेयर्स खरीदते हैं, किसी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू खरीदते हैं या IPO के थ्रू खरीदते हैं और फाइनली वो आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट खरीद रहे हैं तो उसकी क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को सेबी ने एज सिक्योरिटी माना है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट और EGR इज एन इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डीमेट फॉर्म, नोटिफाइड एज सिक्योरिटी विद ट्रेडिंग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फीचर। देखिए कितने बढ़िया फीचर हैं कि आप जब, जैसे आज किसी के पास फिजिकल गोल्ड है, हो सकता है आप उसे ज्वेलर के पास लेकर के जाएं, ज्वेलर उसमें कुछ खोट निकाले, खोट निकालने के बाद में आपको उस पैसे का कोई रियलाइजेशन दे। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट पर हैं, आप ये होल्ड किए हुए हैं और आप जैसे शेयर मार्केट में आज शेयर को किसी भाव पर बेचना चाहते हैं, चाहे मार्केट चढ़ा हुआ है गिरा हुआ है, आपका शेयर तुरंत डिपेंडिंग अपॉन परचेज सेल के रूल्स के अनुसार बिक जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट भी स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध ऐसा माध्यम है जिसमें आप गोल्ड को तुरंत स्पेसिफाइड रेट पर बाय कर सकते हैं, स्पेसिफाइड रेट पर सेल कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का एक सबसे बढ़िया फीचर है कि इसमें ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट के फीचर्स जैसे शेयर मार्केट में होते हैं, उसी प्रकार के ऑप्शंस यहां भी अब उपलब्ध है। नेचुरली कुछ फीचर्स और हमारे लिए एज अ पब्लिक एट लार्ज समझना जरूरी हो जाता है ताकि इस प्रोडक्ट के प्रति हमारी एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। फीचर्स ऑफ EGR, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, आर सिमिलर टू स्टॉक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड आर ट्रेडेड एंड हेल्ड इन डीमेट अकाउंट्स। अंडर दिस फॉर्म ऑफ गोल्ड द ट्रेडिंग एक्सचेंज होल्ड द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ रिसीट इन फिजिकल गोल्ड इन अ वॉल्ट। कितनी बढ़िया बात है सर कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बैक्ड बाय फिजिकल डिलीवरी है। आपको नहीं मिलेगी वो डिलीवरी, लेकिन वॉल्ट में, जैसे आज मैंने जाकर के BSE पर
एक यूनिट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की खरीदी, तो फिर बीएससी या उसका जो बैकिंग करने वाला वॉल्ट है उसके अंदर वो 1 ग्राम सोना लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्टिशियस माध्यम के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसमें बैकिंग नहीं है गोल्ड की, देर इज अ रियल बैकिंग ऑफ द गोल्ड बिहाइंड दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। EGR इज द फर्स्ट स्पॉट फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रोडक्ट। तो इसका एक रीजन है दोस्तों कि EGR का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कि अभी तक गोल्ड मार्केट के प्रति इंडिया में इस तरीके का माहौल है कि हम प्राइस टेकर हैं, प्राइस प्रोवाइडर या प्राइस गिवर नहीं है। आप बोलेंगे अनुप जी इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस टेकर और प्राइस गिवर? प्राइस टेकर का मतलब है क्योंकि मैंने आपको बोला कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो जब हम खरीदते हैं तो सामने वाला अपनी रेट तय करके हमें माल बेचता है। अगर मान लीजिए इंडिया का गोल्ड मार्केट एक प्रॉपर ट्रेडिंग फॉर्मेट के अंदर ऑनलाइन माध्यम के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, तो हो सकता है कल इंडियंस भी गोल्ड के भाव को तय कर पाए। और यदि हमारी ये कैपेसिटी डेवलप हो पाई कि हम गोल्ड के भाव को तय कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो नेचुरली दिस विल बी एन एंड एडवांटेज टू द इंडिया एज एन इकोनॉमी। और बताता हूं सर आपको, द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी हैड स्पेसिफाइड दैट EGRs विल कैटर टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। इसमें सारे मार्केट पार्टिसिपेंट दोस्तों डील करेंगे, दैट मीन्स ऑन द एक्सचेंज इंडिविजुअल इन्वेस्टर, कॉमर्शियल पार्टिसिपेंट्स अलॉन्ग विद वैल्यू चेन्स लाइक इम्पोर्टर्स, बैंक्स, रिफाइनर्स, बुलियन ट्रेडर्स, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स कैन बाय एंड सेल द येलो मनी। आप इसके इम्पैक्ट को समझिए दोस्तों कि अगर कुछ ज्वेलर्स या कुछ बड़े ट्रेडर्स मिल करके इस मार्केट को प्रभावित करते, क्या वो अच्छा होता? या सारे पार्टिसिपेंट मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के यदि EGR में ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो वो जनता जनार्दन के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरा मानना है दोस्तों सेकंड ऑप्शन इज मोर बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। बात करता हूं दोस्तों कि EGR में ट्रेडिंग कैसे होगी, हाउ इट्स ट्रेडेड। फॉर ट्रेडिंग EGRs दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, फिजिकल गोल्ड इज प्रोक्योर्ड थ्रू इंपोर्ट्स, एक्रेडिटेड डोमेस्टिक रिफाइनर्स और डेजिग्नेटेड डिलीवरी सेंटर्स एंड कैप्ड इन वॉल्ट। जैसा मैंने पहले भी बोला कि फिजिकल डिलीवरी की बैकिंग प्रॉपरली है। The buyers or the investors can convert the physical gold into EGR by depositing the gold at designated delivery center. कितनी बढ़िया बात है कि अगर आप अपने physical gold को EGR में convert करना चाहते हैं तो वो भी option है। तो अगला question आपका होगा अनूप जी, अगर मैं EGR को physical gold में convert करना चाहूँ तो क्या वो भी available है? बिल्कुल available होगा। और पढ़ता हूँ सर, once the gold is sourced, a depository receipt is created for trading on the stock exchange. A buyer may sell the EGR और कन्वर्ट इट इंटू फिजिकल गोल्ड। देखिए ये बात आ गई लास्ट में कि आप चाहें तो EGR को जैसे BSE के प्लेटफॉर्म पर जाकर के, अभी BSE इंडिया में EGR का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रही है, NSE में भी प्रपोज्ड है कि NSE भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी आपको EGR ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देगी। कहने का मतलब यह दोस्तों, आप चाहें EGR को बेचे पैसा रिसीव कर लें, आप चाहें EGR को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करें वो भी संभव है, आप चाहे फिजिकल गोल्ड को EGR में कन्वर्ट करें वो भी संभव है। तो ये तीन तरीके से आपको EGR एक बेसिस ट्रेडिंग करने का अवेलेबल कराता है। अभी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ओके अनुप जी, मान लीजिए मैं EGR परचेस करना चाहूं तो मैं बाय कैसे करूंगा, हाउ टू बाय द EGR? EGR दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट कैन बी बॉट बाय यूजिंग अ डीमैट अकाउंट जस्ट लाइक स्टॉक्स आर ब्रॉट ऑन BSE। तो जो आपका नॉर्मल डीमैट अकाउंट है उसी में आपका EGR का भी क्रेडिट, जैसे शेयर्स का आता है वैसे EGR का क्रेडिट आएगा। अकॉर्डिंग टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट वुड लॉन्च डिफरेंट वेरियंट्स एंड डिनोमिनेशन फ्रॉम 1 ग्राम टू 1 kg सो दैट इन्वेस्टर कैन बाय एज पर देयर बजट। लाइक शेयर्स, EGRs विल बी हेल्ड इन अ डीमैट फॉर्म एंड कैन बी कन्वर्टेड इन टू फिजिकल गोल्ड एज एंड व्हेन नीडेड। As per SEBI, the gold exchange will offer the facility to convert gold into EGRs, trading in EGR and reconvert EGR back to gold. For this purpose, exchange will work closely with vault service provider. ये एक specific agency होगी sir, vault service provider, जिसकी network 50 करोड़ minimum तय की गई है, जो आपके EGR के संदर्भ में physical gold maintain करेगी, ताकि आपको जब फिजिकल गोल्ड चाहिए हो EGR के बदले तो वो मिले, या आप जिस दिन गोल्ड दे करके EGR लेना चाहते हैं तो आपको वो गोल्ड उस स्पेसिफाइड वॉल्ट में जमा करा के EGR लेने का ऑप्शन भी मिलेगा। देयरफॉर इफ एन इन्वेस्टर हैज बॉट एन EGR फ्रॉम BSE एंड अ वॉल्ट मैनेजर होल्ड्स दैट EGR,
While selling it off, the investor can go to him or other empaneled vault manager to exchange the EGR for physical gold. मान लीजिए for an example, आज मेरे को मैं जयपुर रहता हूं, मुझे गोल्ड की डिलीवरी चाहिए कानपुर, तो मैं यहां से अगर गोल्ड की एक कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी लेकर के ट्रेवल करता हूं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द रिस्क। तो मैंने क्या किया सर, फॉर एन एग्जांपल जयपुर में ईजीआर परचेस किया, मैं कानपुर गया और मैंने कानपुर के एम्पैनल्ड वॉल्ट मैनेजर से गोल्ड की डिलीवरी ले ली। आप देखिए कितनी बड़ी मैंने ट्रांसपोर्टेशन रिस्क गोल्ड की अवॉइड कर ली। ये भी एक बेनिफिट दोस्तों यहां पर अवेल किया जा सकता है। ये दोस्तों अब आपके साथ बात करता हूं, बजट 2023 में ईजीआर से संबंधित क्या ऐसे अमेंडमेंट आए हैं जो ईजीआर की ट्रेडिंग को फर्दर प्रमोट करेंगे। दो पॉइंट है सर, पहला मैं आपके सामने रीडिंग करता हूं फिर इसकी इंटरप्रिटेशन करूंगा। कि पहला पॉइंट आया, मैंने केवल रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट उठाया फाइनेंस बिल से, इन ऑर्डर टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड इट इज प्रपोज टू एक्सक्लूड द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड इंटू ईजीआर एंड वाई जी वर्जा By a SEBI registered vault manager from the purview of transfer for the purpose of capital gain। आप कहेंगे अनुज जी इसे उदाहरण से समझाइए। मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि मान लीजिए मैंने 3 साल पहले कोई फिजिकल गोल्ड खरीदा था 10 लाख का और मैं चला गया किसी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर के पास में इसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट कराने, जिस दिन वैल्यू हो गई 15 लाख। कोई चिंता की बात नहीं है सर, ये जो 5 लाख का एप्रिसिएशन है ये टैक्सेबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि आप कहेंगे कि अनूप जी अच्छा फिर ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट किसी दिन बेचोगे तो क्या उस दिन टैक्सेबल होगा? हाँ सर, उस दिन मान लीजिए मैंने 2 साल बाद इसे 22 लाख रुपए में बेचा तो मेरे लिए ये टैक्सेबिलिटी आएगी, लेकिन मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन हो सकती है और मेरे को पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल प्लस जितने समय मैंने ईजीआर होल्ड किया उसके सहित काउंट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है। दूसरी बात पढ़ता हूं दोस्तों, वो क्या लिखा है यहां पर सरकार ने, इट इज ऑल्सो प्रपोज दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईजीआर फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन शैल बी डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ गोल्ड इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन इन हूज नेम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इज इशूड इन द होल्डिंग पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन वुड इंक्लूड द पीरियड फॉर विच द गोल्ड वॉज हेल्ड बाय द सेसी प्रायर टू इट्स कन्वर्जन इन टू ईजीआर। सिमिलर प्रोविजन फॉर कन्वर्जन फ्रॉम गोल्ड टू ईजीआर इज ऑल्सो प्रपोज्ड। आप कहेंगे अनुप जी मान लीजिए हम उल्टा कर लें मतलब कि किसी ने तो सीधे ईजीआर ही खरीदा था और अब उसने उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि अब उस व्यक्ति को फिजिकल गोल्ड की जरूरत है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ईजीआर टू गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और ईजीआर का पीरियड ऑफ होल्डिंग गोल्ड के पीरियड ऑफ होल्डिंग के रूप में काउंट होगा और साथ साथ ईजीआर की कॉस्ट इस गोल्ड की कॉस्ट मानी जाएगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने ईजीआर के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की दृष्टि से जो नेसेसरी इनकम टैक्स लॉ में रिलेटेड अमेंडमेंट है वो यहां पर सुनिश्चित कर दिए। दोस्तों मैं ये कह सकता हूं विद कॉन्फिडेंस कि अगली बार जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे पहले आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का भी ऑप्शन आएगा। देखिए फिजिकल फॉर्मेट में दोस्तों गोल्ड होल्ड करना रिस्की है, उसको आगे तक मेंटेन करना, कभी बेच करके उसका रियलाइजेशन ले लेना। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट फॉर्मेट के अंदर आपके पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके डीमेट अकाउंट में वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट आएगी और आपको जिस दिन इच्छा हो आप उसे फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लंबे पीरियड के लिए जब हम गोल्ड होल्डिंग की प्लानिंग करें तो ईजीआर कुड बी वन ऑफ द गुड ऑप्शंस इन माय ओपिनियन। सो आई होप ईजीआर के बारे में ये वीडियो जो दोस्तों मैंने आपके समक्ष रखी इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।